गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे एक्यूरेसी प्रिसिशन एंड एरर्स ऑफ द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। हमने मेजरमेंट पढ़ा, मेजरमेंट ऑफ लेंथ, मेजरमेंट ऑफ मास, मेजरमेंट ऑफ टाइम। एज ए इंस्ट्रूमेंट जिनकी मदद से हम मेजरमेंट करते हैं, दे आर कॉल्ड द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स की हमारी जो डाटा है, जो वैल्यू है, वो बिल्कुल सही आए, उसके लिए हमारे पास दो तीन चीजें हमारे दिमाग में क्लियर होनी चाहिए। नंबर वन होता है एरर। एरर क्या है कि अगर हमने कोई चीज मेजर करनी थी, उसको हम कितना एक्यूरेटली मेजर कर पाए हैं, उसकी जो एग्जैक्ट वैल्यू है, द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी टू बी मेजर्ड, जो हमने मेजर किया है उससे कितनी दूर है, कितनी वैल्यू अलग उसकी है, दैट इज कॉल्ड एज एरर। कि अगर लेंथ ही हमने मापी है, 10 मीटर लेंथ हमारे पास थी, हमने जब मेजर किया है 9.5 मीटर आ गई है, इसका मतलब 0.5 मीटर का एरर है। एक्चुअली इट मस्ट बी 10 मीटर, लेकिन जब मेजर हमने किया है किसी मेजरिंग टेप के साथ, तो 9.5 मीटर आ रही है। इट मींस वी आर हैविंग एन एरर ऑफ 0.5 मीटर। तो इसलिए एरर काफी तरह के होते हैं, हम एरर को ही पहले पढ़ लेते हैं। तो एरर हो गया कि द डिफरेंस बिटवीन द ट्रू वैल्यू एंड द मेन वैल्यू ऑफ अ फिजिकल क्वालिटी इज कॉल्ड एज एरर। अब एक्यूरेसी के लिए एरर हमारे कम से कम होने चाहिए। अगर हमको कोई फिजिकल एक्सपेरिमेंट हमको करना है, तो एक्सपेरिमेंट की एग्जैक्ट हमारी फाइंडिंग आए, ऑब्जर्वेशन सही आए, उसका रिजल्ट बिल्कुल सही निकले, इसके लिए एरर हमारे कम से कम होने चाहिए। तो एरर होते कि नहीं, एरर कितने तरह के होते हैं, तो हम पढ़ेंगे मेन टू टाइप्स ऑफ एरर्स। एक होते हैं सिस्टमैटिक एरर्स, सिस्टमैटिक एरर। और एक होते हैं रैंडम एरर्स। एक सिस्टमेटिक एरर और एक रैंडम एरर। ऐसे एरर जो किसी एक पर्टिकुलर पैटर्न के तहत होते हैं, उनको सिस्टमेटिक एरर कहा जाता है। अब सिस्टमेटिक एरर भी जो हमारे पास तीन तरह के हैं। एक सिस्टमेटिक एरर आ गया जो इंस्ट्रूमेंटल एरर है, इंस्ट्रूमेंटल एरर क्या हो गया कि अगर जो आप इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल कर रहे हैं, जो इंस्ट्रूमेंट आप यूज कर रहे हैं, सपोज यू आर हैविंग अ मेजरिंग टेप, आपके पास एक मेजरिंग टेप है, एक फीता है, वही फालती है। अगर आपके पास टाइम नापने के लिए घड़ी है और वो घड़ी ही फालती है, अगर आपके पास वर्नियर क्लिपर है जिसकी मदद से आपको रेडियस निकालना था किसी बॉडी का, और वो आपका वर्नियर क्लिपर ही फालती है, तो आपकी वैल्यू सही नहीं आ सकती। इसी ऐसे एरर विच आर ड्यू टू द फॉल्टी इंस्ट्रूमेंट, उनको हम कहेंगे इंस्ट्रूमेंटल एरर। उसके बाद दूसरे हमारे पास है पर्सनल एरर। पर्सनल एरर वो हो सकते हैं जो ऑब्जर्वर उसको ऑब्जर्व कर रहा है, जो बंदा एक्सपेरिमेंट कर रहा है, उसके कारण जो एरर आते हैं, दे आर कॉल्ड एज पर्सनल एरर। अब वो कौन से हो सकते हैं, सपोज एक मेरे सामने मीटर था, वहां से मेरे को रीडिंग लेनी थी, और इंस्टेड ऑफ
लुकिंग स्ट्रेट इन टू इट आई एम शूटिंग लाइक दैट, ऐसा देख रहा हूं मैं उसको, मीटर को, मीटर को सामने देखने बजाय एक तरफ से देखेंगे तो पैरेलेक्स एरर बीच में आएगा। वो सुई जो नीडल बिल्कुल जीरो के सामने थी, मुझे जीरो के सामने दिखाई नहीं देगी अगर मैं इस तरफ से देख रहा हूं तो, या इस तरफ से देख रहा हूं तब भी रीडिंग उसके लग आएगी। जा नंबर तो मैं थोड़ा केयरलेस हूं, सपोज कर लो जैसे ही कुछ ऐसी रीडिंग्स होती हैं जो ऑन स्पॉट मुझे देखनी पड़ती हैं, अगर मैं उसको कुछ टाइम के बाद देखता हूं तो वो एरर आ जाएगा बीच में, एग्जैक्ट वैल्यू मुझे नहीं मिलेगी। एंड दीज आर कॉल्ड एज पर्सनल एरर, सो द एरर विच आर कॉज ड्यू टू द लिमिटेशंस आर द केयरलेसनेस ऑफ एन ऑब्जर्वर, दे आर कॉल्ड एज पर्सनल एरर। या एक बंदा है जो आंखें जो होती हैं, आंखें उसकी अच्छे से फोकस नहीं कर पा रही हैं, उसकी आई साइट कमजोर है तो वो अच्छे से रीडिंग नहीं ले पाएगा, इसलिए जो उसकी लिमिटेशंस हैं, जहां उसकी केयरलेसनेस है तो उसके कारण जो एरर आएंगे दे आर कॉल्ड एज पर्सनल एरर्स। नंबर तीन आते हैं नेचुरल एरर्स, नेचुरल एरर्स। अब नेचुरल एरर क्या हो गए कि जो नेचर के हैं, जो जिन पर हमारा जोर नहीं चलता है, कंडीशंस ऑफ द एनवायरमेंट हो सकती हैं, जैसे हम ओंजला करते हैं तो उस समय हमें चाहिए कि प्रेशर और टेम्परेचर सेम रहने चाहिए, तो अगर जब हमने एक बार प्रैक्टिकल किया तो टेम्परेचर कुछ और था, और जब दूसरी बार प्रैक्टिकल करने लगे तो टेम्परेचर कुछ और था, गर्मी पड़ गई या सर्दी बहुत ज्यादा पड़ गई तो टेम्परेचर चेंज हो गया। अगर टेम्परेचर बदल जाएगा तो रीडिंग हमारी एग्जैक्ट सेम नहीं आ पाएंगी जितनी की पहले ही थी, इसलिए सो द एरर्स विच आर अराइजिंग ड्यू टू नेचुरल कंडीशंस आर द क्लाइमेटिक कंडीशंस, दीज एरर्स आर कॉल्ड एज नेचुरल एरर्स। अब इन एरर्स को हम दूर कैसे कर पाएंगे? इंस्ट्रूमेंटल एरर, इंस्ट्रूमेंटल एरर को दूर करने के लिए हम क्या करेंगे? हम क्या करेंगे, दूसरा इंस्ट्रूमेंट हम ले लेंगे, जहां अगर नया इंस्ट्रूमेंट हम लेने जा रहे हैं तो सो दैट की इंस्ट्रूमेंटल एरर इज मिनिमम और इट इज नॉट देयर, वी शुड ऑप्ट फॉर अ परफेक्ट इंस्ट्रूमेंट। अच्छा सा बढ़िया सा इंस्ट्रूमेंट लेंगे, परफेक्ट इंस्ट्रूमेंट लेंगे जिससे कि हमें उसकी रीडिंग बिल्कुल सही सी मिले। दूसरा पर्सनल एरर, इसको हम कैसे दूर कर पाएंगे? इसको क्या करेंगे कि हम एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर को थोड़ा इंप्रूव करेंगे, एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर को हम अच्छा करेंगे, ताकि एक तो हम केयरफुल रहेंगे, अगर हमको आईसाइट के प्रॉब्लम है, कुछ ऐसी परेशानी आ रही है तो हम स्पेक्स यूज करेंगे, हम मैग्नीफाइंग ग्लास यूज करेंगे, तो उसमें क्या होता है, अब हम अपने प्रोसीजर को ही थोड़ा मॉडिफाई करके, उसको थोड़ा इंप्रूव करके जो पर्सनल एरर है उनको हम कम कर सकते हैं, काफी हद तक कम कर सकते हैं। नंबर थ्री, जो नेचुरल एरर हैं इनके लिए हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, एक एक्सपेरिमेंट को हम जो कंट्रोल कंडीशन में करने की कोशिश करेंगे, मतलब अगर अगर हमको टेम्परेचर या प्रेशर कांस्टेंट चाहिए तो हम उन्हीं कंडीशंस में उसको परफॉर्म कर रहे हैं कि हमने जब उनको पहली बार उनको जिस कंडीशन में हमने उसको परफॉर्म किया था उन्हीं कंडीशंस में उसको दोबारा परफॉर्म किया जाए, मतलब कंट्रोल्ड कंडीशंस में उसको हम एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करके नेचुरल एरर जो है इसको काफी हद तक हम कम कर सकते हैं। अब दूसरी यहां थी एक होते तीन हमारे सिस्टमेटिक एरर्स, अब रैंडम एरर्स ऐसे होते हैं, ये रैंडम एरर ऐसे होते हैं कि जिनके लिए कोई हमारे पास कोई पैटर्न नहीं है, इनके इनके साथ कोई पैटर्न हमारे पास कोई भी नहीं है कि ये जो ऐसे क्यों हो गए, वो किसी कारण भी हो सकते हैं, और जो रैंडम एरर जो है तो इनको मिनिमाइज करने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि हम एक एक्सपेरिमेंट को बहुत बार रिपीट करेंगे। अगर सपोज कर लो एक्स कोई वैल्यू हमने निकालनी थी, कोई एक एक्सपेरिमेंट था, तो हम क्या करेंगे, इसको हम एन टाइम्स एक्सपेरिमेंट को हम रिपीट करेंगे। अगर सपोज को पहली बार जब हमने एक्सपेरिमेंट किया एक्स वैल्यू आई,
एक्स वन आई वैल्यू, और दूसरी बार रिपीट किया एक्स टू आ गई, तीसरी बार की एक्स थ्री आ गई एंड सो ऑन, और लास्ट में एक्स एन वैल्यू आ गई जब हमने nth टाइम उस एक्सपेरिमेंट को रिपीट किया। हम इसका मीन निकालेंगे, तो मीन कैसे निकालते हैं, एक्स बार आवर मीन इज इक्वल टू एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री प्लस सो ऑन प्लस एक्स एन डिवाइडेड बाय एन, नंबर ऑफ टाइम अप टू विच द एक्सपेरिमेंट वाज परफॉर्म्ड। तो इस तरीके से हम क्या है कि जो रैंडम एरर होते हैं उनको हम काफी हद तक मिनिमाइज कर सकते हैं। तो ये कुछ एरर्स के बारे में था कि एरर कितने तरह के होते हैं, वो एरर होते क्यों हैं, और उनको क्या हम मिनिमाइज कर सकते हैं, अगर कर सकते हैं तो उसके लिए व्हाट आर द वेज फॉर दैट। फिर उसके बाद एक बात और आती है एक्यूरेसी। अब एक्यूरेसी क्या चीज है, अब हम कहते हैं कि एक्यूरेट होना चाहिए, जो हमारा मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है वो एक्यूरेट होना चाहिए। तो एक्यूरेसी क्या हुई, इट इज द क्लोजनेस ऑफ द वैल्यू विच इज मेजर्ड टू द वैल्यू विच इज एक्चुअल वैल्यू ऑफ दैट फिजिकल क्वांटिटी। अगर हमने लेंथ मेजर करनी थी, अगर 10 मीटर कोई चीज है हमने उसको मेजर किया जब, तो सपोज कर लो 9.7 मीटर आ गई, तो ये हमारी वैल्यू 9.7 मीटर कितनी क्लोज है 10 मीटर के, इट इज कॉल्ड एज एक्यूरेसी। अब एक्यूरेसी को बढ़ाने के लिए हम क्या करेंगे, एक्यूरेसी को बढ़ाने के लिए हाउ द एक्यूरेसी कैन बी मैक्सिमाइज्ड और अचीव्ड, एक्यूरेसी को बढ़ाने के लिए हम क्या करेंगे, एरर जो होते हैं वो कम करेंगे। जितने एरर कम होते जाएंगे उतनी एक्यूरेसी बढ़ती जाएगी, और जितनी एक्यूरेसी कम होगी उतने एरर बढ़ते जाएंगे। इसलिए एक्यूरेसी और एरर ये अप्रॉक्सिमेटली एक दूसरे के अपोजिट रहेंगे, और इसलिए हमने क्या कोशिश करनी है, जब भी हमको एक्सपेरिमेंट कोई भी करना है तो हमको ये ट्राई करनी है कि एरर्स कम से कम हों। और इसलिए जब भी आपको एक्सपेरिमेंट करने के लिए कुछ कहा जाता है तो एक पर्टिकुलर बात कही जाती है कि प्रिकॉशंस का ध्यान रखिए, और प्रिकॉशंस वही चीजें होती हैं, वही स्टेप्स होते हैं कि जिनको हमने बड़ा ध्यान में रखना है कि ताकि हमारी वैल्यू जो है वो एग्जैक्ट आए, उसमें चेंज ना हो, मतलब एरर कम से कम हो और एक्यूरेसी ज्यादा से ज्यादा हमारे पास रहे। सो एक्यूरेसी इज द क्लोजनेस ऑफ द मेजर वैल्यू ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी टू द एग्जैक्ट और द एक्यूरेट वैल्यू ऑफ दैट फिजिकल क्वांटिटी, एंड इट इज द रिलेटिव फ्रीडम फ्रॉम द एरर्स, एरर से फ्रीडम की बात ही है। अच्छा, फिर है प्रिसिशन। प्रिसिशन क्या होता है, इट रेफर्स टू द रेजोल्यूशन और द लिमिट अप टू विच अ फिजिकल क्वांटिटी इज मेजर्ड, कि वो मेजर्ड वैल्यू के कितने क्लोज आ गए हम, कि अगर हमने दो वैल्यूज दी हैं, अगर दो वैल्यू दो बार हमने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, दो अलग अलग वैल्यू आ गई, वो दोनों एक दूसरे के कितनी क्लोज है, इट इज कॉल्ड एज प्रिसिशन। कि दो वैल्यू अलग अलग हमने ली, वो दोनों एक दूसरे के कितनी क्लोज है, और वो डिपेंड किस पे करेगी, इट विल डिपेंड अपॉन द लीस्ट काउंट ऑफ दैट इंस्ट्रूमेंट। अब लीस्ट काउंट क्या होता है, इस पे भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। लीस्ट काउंट होती है, इट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी दैट कैन बी मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ ए पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट। अगर हम सपोज कर लो, अगर हम आपके पास जो वो ज्योमेट्री बॉक्स में स्केल होता है, मीटर स्केल, स्केल छोटा सा होता है, उसके लीस्ट काउंट की बात करें तो हम ये कहेंगे कि व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस दैट कैन बी मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ ए स्केल, उस स्केल की मदद से आप मिनिमम डिस्टेंस कितना नाप पाएंगे, तो हम कहते हैं 1 मिलीमीटर नाप पाते हैं, उससे कम का नहीं नाप पाएंगे। सो द लीस्ट काउंट ऑफ दैट स्केल इज 1 मिलीमीटर। अगर 1 मिलीमीटर से कम का डिस्टेंस नापना पड़ जाएगा तो वी आर हैविंग वर्नियर क्लिपर, वो क्या करेगा 1 मिलीमीटर का भी 10th पार्ट को भी मेजर करके देगा, उससे भी ज्यादा करना पड़ जाएगा तो
हमारे पास होगा स्क्रू गैस, और स्क्रू गैस 1 मिलीमीटर का 100th पार्ट भी नापेगा। सो प्रिसिशन को बढ़ाने के लिए हम क्या करेंगे कि जो इंस्ट्रूमेंट हमारा होगा उसका लीस्ट काउंट जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, स्मॉलर। स्मॉलर द लीस्ट काउंट, ग्रेटर इज द प्रिसिशन। इसलिए ये था माय डियर स्टूडेंट्स एक्यूरेसी प्रिसिशन एंड एरर्स पर थोड़ी सी बात, और आई थिंक आपके दिमाग में ये कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। बट इवन देन इफ देयर इज सम कंफ्यूजन इन योर माइंड यू कैन राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे होम स्टे सेफ।